नाम चाहिँ सोनिया कुमारी माझी हो। म चाहिँ चन्द्रनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बाट आए छु। मेरो चाहिँ उमेर अहिले 21 वर्ष भइसकेको छ। हमारा घर यही ईश्वरपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में है। हम महिला शक्ति सेवा केन्द्र जो महिला हिंसा मारपीट बेलगा वो संस्था के प्रमुख के रूप में जिला में रह के हम काम करे तो कोशिश करे अहाँ के भाषा में अहाँ के समझाए अहाँ सब न बुझल तब अहाँ सबके सबसे समस्या ये हो कि हम कुछ बोले ला चाहे कुछ अहाँ से सीखे ला चाहे तो हम जे जान ली सिखा ला चाहे तो बीच में एक दोसर में अहाँ टच करे तो वही में कथी हो फिर इच्छा हो दोसर आदमी के अहाँ के बात दोसर के काम लागे ला सके हाथ खड़ा करके हमारा कोई घटना के बारे में कोई समुदाय के एगो उदाहरण के बारे में अहाँ सब कह ला सके उ बेर में अहाँ कथी करे ला सके हाथ उठा के हम ये बात कहे ला चाहे तो हमारा बात में अहाँ सबके कोई जिज्ञासा रहे तो हमारा बीच में रोके ला सके कि हमारा समुदाय में ये है ये फर्क लिया के पड़ते हमारा समुदाय में अरु ये बातें तो है एक हटाए ला कथी करे के पड़ते अपना गाँव घर में जो घटना है ये घटना के बारे में हम कहे ला चाहे तो अहाँ सब कहे ला सके बात बुझल ये बात में मंजूर है कि ना तो हम बाहर के तो ना जिला के अहाँ सबके समुदाय के थी बस करिया ये वही में जो रले बलरा ये थी इधर उधर सब जगह में तो हम खूबे बात बुझल ल बेटा एगो बेटी जो बेटा बेटी के कोई तेसरो लिंगिक रूप में थर्ड जेनरेशन कर अहाँ के भाषा में कथी कहे बेटा बेटी से दोसर और एक गोटा कहे शब्द में हमरा कहे कि हम थर्ड जेनरेशन कर या तेसरो लिंगिक कर अहाँ सबके मित्र कहे समुदाय में ये 3 सेक्टर में से विभाजन करे केकरा अधिकार है ये ओके तो अधिकार है अपने शरीर के तो अपना अधिकार न है तब दोसर बात तो पर अहाँ सब समुदाय के अगुआ जनी है अगुआ महिला है ये सब रूढ़िवादी परंपरा है एक परिवर्तन करे के पड़े जब शुरू में हम सरलाइ जिला में आई शुरू में हमारा जन्म तो सिंधुरी में मिले एमे आई तो यहाँ के भाषा हम न बुझे तो हमारा कथी बोले हमारा मारे ला काटे ना कथी बोले हमारा बॉर्डर हमारा कतई न बोले कथी बोलते हम कथी बोलते हमारा भाषा उ न बुझली भाषा हम न बुझली तो वैसने हो कि अहाँ सबके समुदाय में जैसे जनी सब एको बाहर बाहर आए ला न दे सब कथी घर भीतर ये घुमटो में अभी अहाँ कहाँ घूम कर रखे न दूर लेकर हम जाए समुदाय में तो एने हो अब कहाँ देखू तो कहाँ चिन्हू तो वो मुँह से मुँह भीतर से परिचय दे फिर दोसर जगह में से हम मिले तो कौन है कहाँ से चिन्हू ना उसका फेस देखे तो नाम से बोला तो दोसर है नानी जी को नाम अनिता है तो अनिता कौन है ये अनिता हम बोल रहे थे ओके माने के पड़े उस समय रहे उ देर अभी तो बहुत चेंज तो हो गए परिवर्तन तो हो गए तर अहाँ सबके जो ये विभेद है दू जगह के महिला और पुरुष एगो असमान खाड़ल है कोई में पूरे तेसमानी पर यहाँ सबके सर समुदाय में अगर धूम समुदाय में अभी बहुत दुर्लभ है सबंधा बड़ी रोग केकरा होइ छे जानी के होइ छे कोतना होइ छे जानी के कहू तो जानी के बच्चा जन्मा छै घर के काम कर छै महीने महीने महीना गेल कोई सब से तब तक जन्म हो
नेता र बेटी के दिन से स्वीकार नै न करे छै त ई एना करे छै ओना करे छै बा तेरी लंबा होते त कोनी करे छै ओय में से झड़प शुरू हो जाय छै होता छै कि ना अब बेटा बेटी ने बेहरबाप करे छै बात नहीं मंजूर है तर हमारा मतलब ही न है कि माय करे छी तर दोषी माय है कि हम कहेला न चाहे छी अहा के संस्कार है ओय सी के है त बेटा बेटी में जो भेदभाव है जो एगो असमान ठाड़ है सुबह माता जो सोच है परंपरा है संस्कार है संस्कृति है भूगोल है ओय जगह से सीखे है अहा सब के समुदाय में जो मुसर है ई उत्तरी बेल में जो रहले त एमे कुछ संस्कार सीखी जो जितना दक्षिणी बेल में जाए छे हां वही में के संस्कार वही में के भूगोल सीखी त बेला में फरक एमे होय छे कि ना होय छे पढ़े ला जाए छे बेटा बेटी या अहां सब कथि करे छे बेटा के निमक से रुका पिना दे छे बेटी के वही गंदा लुगा में शुरू में त बेटी के सु पढ़ा पढ़ा ला ना पढ़ाई छे बाद में पढ़ाई छे त ओकरा वही खाते जो गंदा फंदा है पिना के पढ़ा दे छे बेटा के कर कर छे बैग बोटा के जूता पूछ के सूट बूट बना के हाँ देखो ना हमारा बेटा वो सब स्वर्ग में पुगा दे छे हम कुटा में ना कर हम लोग इस पर गोल दल जो काम को के खाए छे जो मेंटली अवस्था में आदमी सब असक्त हो छे वो आदमी है करे दुनिया में ना करे ना आहार दाल तक पर का है खाए छे या हाथ तक का खा छे वो ये पानी खाए छे सब दिन जिंदा ही रह छे आ अगला बेले पानी पर तो मरे छे एक दिन सबके जगह वो है कि एमे धनी गरीब के बात ही है काम करेला जो जिम्मेवारी है एक 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 कमजोरी काम में रह तो अहाँ मान लियो दिन में 500 रुपया कर दे तो बिहार के लागे 200 औसत न कर सी फरक एते धनी कथी करे छे जो आदमी सबके अहाँ धनी धनी बोले छी 500 कमे छी कि दिन में 200 रुपया होली के लागे बचत करे छे 300 जेते खेल खर्च करे छे आ सब में 500 है मांस मछली और भरवा लागे लागे दारू पानी सब लेके आवे छे तो 200 बचत न करे छे फरक एते मात्र है धनी गरीब के न त बाकी सब कुछ बराबर कि ना है तो निम से बेटा बेटी के पढ़ो वहां के बेटा बेटी हम अवसर में जाले खा इतना बेर मांग कर रही बेटा के इना करू ना करू और ये भाव करे छे है कि ना समाज तो आहा के बेटा के लो आहा निमो से घर पढ़ाओ तो बाहर पास पढ़ाओ या बैचलर पास कराओ तो जागरी मिलते कि ना मिलते तो आहा तो वो देर में कहा कि हम गरीब छी केना करी तो मतली ना तो ना किताब करी हाँ तो पैसे भयो भने पनि त्यो यस्तोमा बानेर हैन राखेर हुन्छ पैसा कमाउनु लागि जोसँग पैसा कमाउँछ अनि त्यो मात्र बढी के हुन्छ त शक्तिशाली हुन्छ जस्तो यसो हेर्यो भने हामीले पैसा कमाउनु पर्ने प्राय जस्तो के हुन्छ भने केटा मान्छे नै गइरहेको हुन्छ नि जस्तो ज्यादा मजदुरी व्यापार पसलहरू हरेक कुरा गर्नु चाहिँ पुरुष नै गइरहेको हुन्छ अब हामीले महिलाहरू पनि अब पैसा कमाउनतिर लाग्नु पैसा कमाउन त त्यतिकै हुँदैन हामीले अलिकति वातावरण बुझ्नु पर्यो बाहिरी वातावरण बुझ्नु पर्यो हैन समाज बुझ्नु पर्यो के कुरा बोल्न सिक्नु पर्यो जान्नु पर्यो त्यही भएर अहिले हामी यो समूहमा आएर मुसर महिलाहरू पनि अब के गर्नु पर्यो घरबाट बाहिर आउनु पर्यो यहाँ अब तपाईँहरूलाई अहिले स्कुल क्याम्पस पढाएर त तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्न अब समूहमा आउने यस्तै तालिमहरू लिएर अनौपचारिक रूपमा शिक्षा लिने के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर सिक्ने होइन समूहमा पनि छलफल गर्ने अहिले अब तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भोलि गाउँमा तपाईँ समूह बनाइन्छ मुसर महिलाहरू त्यो समूहमा हाम्रा कुराहरू चाहिँ छलफल गर्ने सिक्ने होइन यहाँ सिकेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गएर सिकाउने सबै महिलाहरू चाहिँ के हुन्छ अगाडि आउनु पर्यो होइन अलिकति बोल्नु पनि सक्नु पर्यो होइन बाहिरतिर गएर चाहिँ अरू मान्छेसँग चाहिँ छलफल गर्न सक्नु पर्यो त्यो हिसाबले पनि हामी पहिलो त घरबाट बाहिर हामी आउनु पर्यो तपाईँले कुराहरू सिक्नु पर्यो आफूले सिकेको कुरा आफ्नो घरमा लगेर व्यवहारमा चाहिँ देखाउनु पऱ्यो आफ्नो छोराछोरी मार्फतै देखाउनु पऱ्यो होइन पहिला त आफूले आफूले परिवर्तन गर्ने अनि आफ्नो घर परिवारलाई गर अनि मात्र गाउँ समाजमा जाने अब इम्पोर्ट वाली कुन हो यहाँ सबको महिला है महिला है महिला तो महिला है कौन है वो पूर्व सभामुख है कौन है सभामुख है जो ये संसद है ने अहा के हमारा जिला से अहा के क्षेत्र से दोसर के क्षेत्र से जत ही वही में
संसद में संसद भवन में लीड करे छे नी ओए लीड करे करे वाला लीडर है वो अभी के न है पूर्व है सब हर एक प्रशासन सेक्टर से जहाँ से है तो वही में पुगा दे थी कहाँ पुगा दे थी माइती नेपाल में पुगा दे थी ओकरा नाम कथी है तब दे सुनु पियायो साथीले पिउदिन भन्द भन्दै पियायो साथीले मर्छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले केही कुराहरू सिकेर जानेर बुझेर अनि नेतृत्व ठाउँमा पुग्नु पर्यो होइन त्यही भएर अहिले सरकारले पनि महिलाहरूको लागि भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोटाहरू छुट्याइदिएको छ होइन अहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने भने एकजना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ र तपाईँहरू मध्ये पनि यहाँ आएको अगुवाहरू मध्ये पनि कोही चाहिँ त्यो समूहभित्र पढाउनुहुन्छ होला होइन यदि छैन भने पनि अब चाहिँ तपाईँहरू अगाडि आउनु पर्यो होइन बोल्नु पर्यो विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ मागहरू राख्नु पर्यो आवाजहरू उठाउनु पर्यो त्यसपछि मात्र तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूले राख्छ हो अब हामी यो अभियानमा छौँ अब विशेष गरेर अब मुसल महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व क्षमताको विकास गरेर अगाडि ल्याउने भनेर हामीले यो परियोजना चाहिँ सुरु गरेको छौँ तपाईँको गाउँको बहिनी दिदी बहिनीहरू हेर्नुहोस् त तपाईँहरू जतिको बोल्न सक्छ यहाँ आएर आउन सक्ने क्षमता छ उनीहरूको छैन नभए पनि अब गएर तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पनि तपाईँहरू जस्तै क्षमतावान बनाउनु होइन हो त्यसको लागि तपाईँले यहाँ सिक्न आउनुभएको अब यसको लागि के हो तपाईँहरूले चाहिँ समाज जुन तपाईँहरूको समाज छ मुसर समुदाय छ त्यो समुदायमा गएर होइन त्यहाँको चाहिँ दिदीबहिनीहरूले अब के गर्नु पर्छ तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न कुराहरूको बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउनु पर्यो जस्तो कि ए हामी मुसर महिलाहरू पनि पढ्नुपर्ने रहेछ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ हाम्रो समुदायमा चाहिँ एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो समुदायमा के कुराहरू छन् महिला हिंसाहरू हुन्छ त्यसको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्ने रहेछ होइन छोरीहरूलाई पनि छोरासँग चाहिँ समान रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ पढाउनु पर्ने रहेछ होइन हामीले पनि पैसा कमाउने कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ आय आर्जन गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ अनि मात्र हामी बलियो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ गएर चाहिँ सिकाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ पहिला के हुनु पर्यो तपाईँहरू सबै एकजुट हुनु पर्यो होइन त्यसको लागि अब सामाजिक परिचालन भन्छ क्या अब हामी समुदायमा दिदीबहिनीहरू मिलेर पहिला त समूह बनाउनु पर्यो समूह मात्र बनाएर पनि भएन त्यसमा चाहिँ आमदानी गर्ने एउटा स्रोत उत्पादन गर्नु पर्यो त्यसको लागि तपाईँले बचत गर्नु पर्यो तपाईँहरूले बचत गर्दै गएपछि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्छौँ त्यो कार्यक्रम गर्ने बेलामा केही पैसाहरू हामी तपाईँहरूको समूहलाई दिन्छौँ त्यहाँ कोष वृद्धि हुन्छ होइन अनि त्यो पैसा जस्तो अहिले तपाईँले ऋण लिनु पर्यो भने कहाँ जानुहुन्छ पैसा लिन ऋण लिनु पर्यो तपाईँसँग पैसा छैन अरे होइन ऋण लिन कहाँ जानुहुन्छ उनीहरूले ब्याज त कमै लिन्छ हो नि आर्थिक आय जति देश
लेकिन ऑफिस में समय के पाबंदी के कारण से भेंट होने के अवसर न मिल सके। लिए अहा सबसे एक दिन अगाड़ी भेटे के चाहिए, न भेटे पहले तो हम अपना दुर्भाग्यशाली हुए गरीब है सोचे के मौका न मिले अगर सोचे कोई सोचे के लिए मजबूर न कर तो गरीब परिवार के आदमी जो खासकर गाना में काम करते गाँव में जहाँ हम जन्म ली जहाँ भूल करी वो हम घर के बगले में चमार समुदाय के बसोबा चमार सब चमार दू चार घर जैसे सदा है सदा तो हम लोग किताब में पढ़ले रहे कोई बार हमारे सुनो कोई ठाके पहली बार एक वो घर के याद कर जब सब होता है एक वो घर के याद कर जो ना आपकी जॉन में जाए जॉन में कोई नहीं जाना जाना है जॉन में क्या करूँ तो कोई सु कथी दूसरा के खेत में काम करने वाला जॉन वो पापा को क्या पहुँची दे वही समय में उस समय में जो के जैसे धान दे रहा है गेहूँ दे रहा है 5 किलो मन हो कोई डाल कई समय के बाद पहले 2.5 किलो 3 किलो 5 किलो बनी जाए कोई समय के बाद अभी तो पैसा दी 500 तहिया के बाद इन्हें बैठ के छलफल कैली लगभग 10-12 घंटा रहे तो बीच में आदमी बनी एक दुआरे हो कही हो मतलब सवेरे उठी छे घर से घर के पुरुष के याद करम अपने घर के पुरुष के याद करम सवेरे घर में उठी छे उठ के तो सबसे पहले कहाँ जाए मैदान पर जैसे बता दी नदी किनार में गेल तो सवेरे में गेल वहीं गेल लोटा लेके गेल तो इन्हें हर घर में भोरे भोरे जनर आवे लावे जनर आवे लावे छे सुनले छे जनर आवे लावे छे कोन आवे छे मैदान करे तकनी दिमाग में जाए मैदान करे दिमाग में कथी हो जाए आई आई 4 दिन से फलन महाजन के कहे ध्यान अब आइए आ न गली दूरा पड़ते खुशी होते गाड़ी बोलते पटेबा ले लेने आई पुनः जन्म जबे तो बर्बाद होते कहते मैदान कर जाए वो नहीं सो नहीं सात बजे पूरे चुका खेत में ना अपना खेत में जाके वो इतना मेहनत से कोदाई तो मुझे जो मुझे जो तो जाते घरे घरे जाके पूजा कर दिया यो नहीं होने खेत में होते तो देखते हैं आपको तो इतना विषय बना दे रही तो पूजा का फोन दिया जाए अरे मान 2 घंटा हो गए तो सवेरे हम 5 बजे निकल रहे 6 बजे तक खेत में चला गए तो महाजन काम देख के खुशी हो जाते कहते अच्छा होकर पूरा यहाँ जाके हम बिना मौसम में घूमे के बोलो ना तो बहुत ही जान से काम कर 2 घंटा आ टेकड़ा बात का महाजन के मन स्थिर हो जाए तो स्थिर थमन हो गए धीरे धीरे काम कर 3 घर खटिस अब उन्हें 3 घोड़ा नंबर में लागल है कुछ पहलू का बोला सब महाजन सब 3 घर काम करे बस चार में ढोवा लेवे के मेरे घर में दाना ना है बच्चा कथी कथी खाना है अपन देहात खा रहा है की कर महाजन के कहे के हिम्मत नहीं हो महाजन पूरा पैसा बाप हिसाब कर जा अभी जैसे आई के बुझी ना कहता है न कहा हो कोई कहा हो न कहा हो एक बार जो पैसे इतना पुरान हो गए अपनो मन न मानी जाए तो बहुत के तौर पे कहते महाजन के घर में नहीं कुछ हो 100 रुपया था चाहे 50 रुपया था ना 3 लाख रुपया भेज गेलो पैसा देबे करब 6 रुपये ब्याज जोड़ ले रहले 6 रुपये ब्याज से हम न देबे सकली ह ब्याज तीर्थ दशा हो जाए मूलधन नष्ट हो जाए साल भर बीती
मूलधन हो जाए मूलो के ब्याज बने ब्याजों के मूल बन जाए जमीन कम है ते दुआरे खेती पथारी न हो अपन जमीन से धान चावल उसे खाए पर आफत रहे जन में काम करे जाए तो ऋण पहले ले लेले फिर पैसा मांगल न हो दुआरे अवस्था सब दिन 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 जर्जर जर्जर अवस्था खराबे में चल जाए ध्यान न जाए कथी करब कथी करब कौन एहन काम करब तो अगर बढ़ सकते बात तैयार ध्यान पड़ता जाए हमारे संगे एगो सफल उदाहरण कह हम सब एहने कार्यक्रम अंतर्गत सफलक्रम में एगो बात सब जहाँ कह रही संभावना सब ये चीज कैला से हो सकती है वैसे कुछ परिवार अगर बढ़ते आई जो हम अहाँ अपन बाल बच्चा के स्कूल न पठबे न पढ़बे तो हम अही सब लेखा वो बनते तो जिंदगी एहने जते तो पहली बात की है शिक्षा जो है ना स्कूल के शिक्षा बच्चा सबके लिए सबसे पहले जरूरी है। दूसर बात अभी नेपाल में भी सरकारियों विद्यालय में देखने का फील है जबकि नेपाल सरकार ऊपर से कही जाए फ्री कराएगी अब तैयो तक का पैसा दी परीक्षा के समय में बाल बच्चा के पैसा दे देना नहीं आई थी तो वो का परीक्षा छूट जाए वो चीज निःशुल्क है निःशुल्क के होगा के होते हैं सब हम यहाँ जगह वोट दे छे वार्ड अध्यक्ष के वोट दे छे अभी वे फिर चुनाव में उनका पहली बात कहे गए पहले स्कूल में जैसे फी बिना का जे पढ़ते के लिए वोट कि वोट लेवे करा जी तो वोट ही वोट अब तो जीत गए ना तो के से हां तो ए सबसे पहली बात बच्चा सब के स्कूल में कोनो हिसाब से भर्ती करावे के होते दूसर बात हम अहाँ ध्यान न देले छी जब बीमार होती कोई घर पे तो एमे ध्यान देबे बीमार होती तो हम की करै छी कोई हॉस्पिटल में ले जाए चाहे कोई दवाई दुकान में ले जाके वो दवाई तो लेकर कोई चीज दवाई कीन के दिया आ कोई जैसे कहे छे ओकरा रहने वाले हो गए तो फुलवारी को जो जैसे धाम इन चीज कर देले वो छोटे चाव जो के छोड़ो ना तो फुलवारे लेके चले हां ना फुलवा बचे तो एक दिन कहे छे हां ठीक है भले ठीक हो जाए शिक्षा सस्ती कर सरकार शिक्षा सस्ती कर सरकार मेरे बच्चों को पढ़ना है बस इतना मुझे कहना है वरना कसम से वोट न देंगे तुमको अब की बार शिक्षा सस्ती कर सरकार शिक्षा सस्ती कर सरकार शिक्षा सस्ती कर सरकार शिक्षा सस्ती कर सरकार दो महीना पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ा एक नए पुलिस ने मेरा ब्रश दबाया पुलिस ने मुझे गलत जगह से छुआया और मुझे खींचा गया है हाय बुलेट हाय अच्छे दिन मुझे नहीं चाहिए राम कसम अहिले त केतना खर्च भयो लुसे लिखबै कि न त केना न आइसे लिखबै हाँ लिखबै लिखबै खर्चा पर्ने कोही किसिमको माया ममता त होते कहाँबाट लेख्नु दुनु हात उठाउ त कहाँ न लेख्नु लेने सुन्दर गर ल जहिया से लिखना से शुरू करबे पहले ना अगाडि बढ़े के उपाय देखा दे गोती ओहिए से अगाडि बढ़बे जो ना सुनो आबे वाला 5 साल के बाद जब हम यहां भेटम तो हम एक बात की गारंटी करते हैं जी बैलून के बालू देख मेरी इतना बालू का आगे से बना गई थी अब हामीले आफ्नो बैलून जोगाउनु छ जसले बैलून जोगायो त्यो चाहिँ विनर हो अब 5 मिनट को समय दिन्छु सबैले आफ्नो बैलून जोगाउनु सब अपन अपन बैलून जोगाऊ अंतिम में जेकरा हाथ में बैलून रहते उ एक खेल के विनर जीतते विजेता होते
जहाँ हम अहाँ सबके उपस्थिति आवश्यक है वहाँ अहाँ सब जाके अपन बात कर सकते हैं ओहि विषय पर बेसी संपर्क करते अहाँ सब ध्यान रखबै जे बिहान अहाँ सब राति में यदि काम करबै तो कौन समय है महत्वपूर्ण समय है जो समय में अपन बात रखबै तो अहाँ सब योजना स्वीकृत होते कहाँ रखबै तो स्वीकृत होते कौन तरीका से रखबै तो स्वीकृत होते हम अहाँ ओहि विषय में चर्चा करबै होते तो कौन की बात कर रहे हैं गरीबी के विषय में जो आमदनी से खर्चा जो हिसाब से बढ़ जा रहा है उन हिसाब से एगो परिवार के 10 साल में कितना ऋण होते कितना ऋण होता है 20 वर्ष में 40 लाख रुपया ऋण 5 साल में 10 लाख रुपया ऋण हो जाता है यह अवस्था में चलते अब बोलते हैं सब नगर पालिका के स्रोत में केना को पहुंच बढ़ावे सरकार के स्रोत में केना को पहुंच बढ़ावे जहां हमरा आके कुछ सामान पैसा आवे है केना सुरक्षित होतै हम आके केना का परिचालन में भूमिका में हम जा सके छी कोई विषय में छोड़ दो होता है भरत के क्लियर एक संपन्न करा देवे के याद है वही सालों में बजट रखल है ना आ संपन्न भेल कि नहीं तो उस समय जे रहले कौन टाइम में गेल रहले कौन महीना रहले से कृपया याद होता है अनुमान है वैशाख जेठ महीना रहले वैशाख जेठ में बजट के प्लान के काम होता है हमारा यहाँ शुरू हो नेपाल में 3 तरह की सरकार है संघीय सरकार प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकार हम आज संघ सरकार के प्रादेशिक सरकार के बात अभी ना करबे खासे संघीय सरकार के बात करबे सबके नीतिगत कानून है संघीय सरकार जे 15 गते प्रत्येक वर्ष के जे 15 गते वो अपन नीति कार्यक्रम बजट दिए हरिपुर के वार्ड नंबर 5 बड़ौदा के 8 आ बसवड़िया के कई नंबर वार्ड है 3 आधा सबके वार्ड में एगो वार्ड में 3 गो 4 गो 5 गो टोल होती ना प्रत्येक टोल में जो जीतल चुनाव जीतल वार्ड वार्ड के समिति है वार्ड समिति के जिम्मा है कि प्रत्येक टोल में बैठ के कोई टोल के आवश्यकता की है कौन कौन काम करना है जरूरी है वहाँ सड़क बनाना जरूरी है टोल में आके सड़क में जरूरी है कि वहाँ स्कूल बनना जरूरी है कि वहाँ स्कूल बनाना जरूरी है कि वहाँ रोजगारी संबंधी कार्यक्रम जरूरी है कि सिमरत तालीम देवे के पड़ते है प्रत्येक टोल के हरेक टोल के अवस्था बुझे के लिए योजना संकलन करे के लिए वैशाख महीना के 10 गते से लेके 30 गते के भीतर में गाँव में वार्ड अध्यक्ष के जिम्मा है आके छलफल करे के यदि न कल की छलफल न सबके ध्यान में रखे के होता है कि वैशाख 10 गते से पहले वार्ड अध्यक्ष के कहे के होता है जो हम की करके योजना समाप्त करिया तो हमरे टोला में आके करिया बात बुझे पहले कहे के होते वैशाख महीना के 10 गते से पहले 10 गते से पहले ओकरा कहे के होते हम की करके योजना बनेबा तो हमनी के टोल में भी 10 गते से लेकर 30 गते के भीतर में आके चलबो करिया हमरो सब के काम होय हमरो सब के सड़क न बनल है हमरो सब के बाल बच्चा स्कूल में जाय स्कूल में घर बनाना जरूरी है भुइया में बैठ के पढ़ी तो वहाँ क्लास बनाना जरूरी है ये बात के खातिर हमरो सब के टोल में आके चलबो करिया ये बात कहिया बैठ होत वैशाख महीना के 10 से लेकर 30 के भीतर यदि काम करबै तब अहाँ सबके योजना सुनवाई होती हम तो कुंती 8 नंबर के बात कही वैशाख के 16-17 घंटे पड़ी हम जो ही लेके गेल रही वार्ड अध्यक्ष के ओहि टोला इनका सबके टोल वहाँ बैठ के छलफल कैली जब इस समुदाय के हरेक टोल में जाके छलफल करे के यहाँ कल जब अ टोल में कल जब वार्ड अध्यक्ष को भी जब वार्ड अध्यक्ष सहित वार्ड समिति के सारा आदमी रह वहाँ बैठ के छलफल होलै जोन भवन में छलफल हो रहा है वो भवन मुसहरी टोल के भीतर बीच में है वहाँ उनका सुनकर भाई भुया महाराज के गहवर है वो भवन अधूरा रहा है
पूछलक वहाँ जो तुहन के कौन कौन काम जरूरी है ये सब कहने लगे हमारा सबके भवन छलफल करे के लिए बड़बड़िया तब से रखे के लिए बच्चा सबके टिफिन भरे के लिए ये सम्पन्न न भे सकल तो अहा सब ये सम्पन्न करा दो की बार के बजट में तुम्हें 4,00,000 रुपया लगल आ तेकरा बाद ओकर समिति बनल आ उ योजना वही आर्थिक वर्ष में सम्पन्न हो समस्या सबसे जरूरी शिक्षा यही में पांच को योजना बैसाख में मांग करे के है वार्ड अध्यक्ष से आ समूह के 50 गोटा के बैठक कर कोई पांच योजना पास करे के तो सबसे जरूरी है कोई योजना सबसे जरूरी हां योजना कथी कहबे जे हमरा बना दा जे हमरा हमरा यह कदा ई काम वार्ड अध्यक्ष की कहबे सबे को बना दू आहा सब हमनी सके देह में करिया खून है आहा के हवे से खून हवे से कारण हमरा बच्चा सके पढ़े दे छिए त कहे से कारण पर दे वे से बच्चा सके कला आबे छै त तक आब के दरवाजा लगले रह छै से साफ सुथरा कर दियो तब पढ़ाते त कि कले से हमनी सब सब समूह गठन क के स्कूल में गेली त मान कर के मांगल के कहले तब बच्चा सके पढ़े दे जाय देले स्कूल में पढ़े देल कै तब गांव पलका में गेली त गांव पलका में अपन अधिकार खोजली तब अधिकार खोजे तो महिला विकास के देवा दलित के पैसा सब ला के हमने सब की कली एगो कोषा को खोज खोल ली वही कोषा में हमने की कली अपन बचत राखे लगली घर लगली 100 200 20 रुपया 5 रुपया 10 रुपया एना करके बचत बचावा करे लगली बचावा करे करे कि कली वही कोष में धैली समूह टूट गए तो वो कोष के ढेबा के कली लगानी कैली लगानी कैली तब सब वही एक बार हम तक कहूँ तक जितना जोर से कह हम अगर बढ़े शुरू कर तक एक बड़ा शुरू कर तक कह के हमें तैयारी रह बड़ा सबे बड़ा पक्का न पढ़ावे लिखावे ला सोचबे तो न हम देबे से हम न देबे सेवा सीख ले आरो से देखे से अति बचत करे ला से बचत अहाँ से केना करबे से गरीब गरीबी अहाँ से के हटतै तो बचत करबे तो अति दारू पियला कहबे दारू में खर्च होइ छै कोनो चीज में बेसी फर खर्च होइ छै जहाँ होते 500 के समान तहाँ हम 400 में खर्च करबै 100 बचा लेबै तो हमर बचतै तो बचत कऽ देबै जहाँ होते अथी 1,000 के अथी किने के तोरा में हम यहाँ 800 के किनबे या हम 100-200 बचा लेब तो हमर बचत होते तो एना परिवर्तन करत करत हम बचब तब हम आगे मुँह गरीबी हमर हटते तो हम आगे मुँह बढ़े फिर अथी की करबे ओकरा कोनो किछो के रोजगार करबे किछो के काम करबे तब तो हम सब परिवर्तन करबे तो आगे मुँह बढ़े न तो गरीब के गरीबे हम रहले रह जबे सब दिन से
सब कहियो ना आगे मुँह में बढ़े ना बच्चा के शिक्षा पढ़ावे ला सोचब आ बचब तो वही ढेउआ से वही अथी से बच्चा के खाना खोरी से देव कपड़ा लत्ता किन देव इसकुल पे ठहबै आ जब हम वैसे बेसी अथी उठबै तो हम कहाँ से बच्चा के पढ़ावे ला देवे हमरा तो पूछबे ना करते तो हमर बच्चा तो पढ़बे ना करते तो हमर भविष्य तो नीचे मुहे पछे मुहे गरीब के गरीबे हम रह जब हमर बच्चा पढ़ते तो कोनो नेता बनते कोनो मुखिया बनते कोनो अध्यक्ष बनते कोनो प्रतिनिधि बनते ते दलित के बच्चा तो पढ़ल तो प्रतिनिधि बनल अध्यक्ष बनल सदस्य बनल अपन तो पढ़ लिख ले दोसर जाति के तो हम से तो पिछलर जाति तो हमनी के बच्चा कथी अध्यक्ष सदस्य बनो हमनी के बाबा दादा ना इसकुल देखल ना इसकुल देखल तो हमनी तो निपट छे तो निपट आदमी कथी बुझे से अदालत में जब कथी पंचायत में जब पंचायत में अपन अधिकार खोजे ला ना हम सब समझे से केने अधिकार हमनी के है केने दलित वाला पैसा है केने महिला वाला पैसा है से हो ना समझित रही हमनी आ समूह गठन भेलै समूह चललै ओहि समूह से हमनी सबके पूरे पता भेलै महिला विकास के ढेबा कहाँ है दलित के पैसा कहाँ है अथी गावी सब कहाँ है पंचायत भवन कहाँ है सब हमनी जाने लगलिए आ जनलिए जनबै आ कहब उ सब तो हम सबके पूछे के मौके न दैसे आब तक मौका कहियो तो हम सब ले सकै छी कोनो ऐसन आदमी के न मौका दे लै से न दै छै तऽ हम सब के छुट्टी न रहै छै तऽ कथि करू सर हम तऽ कहियो कभी काल चल जाइ छै बहुत धन्यवाद हम से तालीम लेबे आयल छी हम से इहाँ से जब भी पहले तऽ अपना टोला में के आदमी सब के सिखबै कि तालीम पत्र मारि छी तब जाके गठन करबै गठन कयला के बाद मे हम सब समूह बन 50 आदमी के समूह बनला के बाद मे जो सबसे लाचार आदमी गरीब होते वो चाहते कि हम 2500 रुपया दे रख सकी जो धनी के आदमी कहते 50 रुपया रख सक न जो गरीब आदमी ही ना वह कहते कि हम 2500 रुपया से शुरुआत करब हम 20 रुपया न सकब वही आदमी के बात रह जाते ओकरा बाद में हम सब पैसा जमा करब 6 महीना बरस दिन हम सब पैसा बैंक में से न लेब बैंक में न लेब जो आदमी के सबसे लाचार आदमी हो ना कहती कि जो बीमारी पड़ जाते कल हमारा पैसा दी तो सब को ना के सहमति से देल जते आ कोई आदमी कहते कि हम पूजा घर में हे शादी ब्याह हे मरण हरण हे कम जाए के मेला ठेला जग उग में जाए के हे धाम घूम जाए के हे तो वैसा आदमी सबके हम सब न देव कै लगे जो मजबूर है वो बीमारी से लचार तो खाए लगे न है बीमारी पड़ जाते न देवे समूह में से हम सब पैसा उसा तो आदमी तो मर जते तो समूह में रखला से कौन फायदा है कोई फायदा न है अगला बात में हम सब 16 बरस के बेटा बेटी के ब्याह न करब 20 बरस से ऊपरी के ब्याह करब हम सब के बेटी के बच्चा होते तो न मरते 16 बरस के ऊपरी से बेटी के ब्याह कर बच्चा हो जाए कि हो डाँड कमजोर हो जाए कमजोर होला के बाद में बच्चा 5 किलो के 4 किलो के बेच में पेट में बच्चा पलाए वो फेंके न सके ऑपरेशन कैला के बाद में मर जाए 3 दिन के तालीम में कथी सीखली ये कि अब एजन से सीख गेली तो अपना घर परिवार में सबके जमा करब बेटा के गार्जियन के पुतू के बेटी के सबके जमा कर के अपना घर में सबके सलाह लेके समझा के बुझा लेब समझ जब तब गांव घर में 10 गो महिला 20 गो महिला के सबके समझा बुझा के समूह गठन करबे समूह गठन कर के तब समूह बनबे समूह बना के अपना बचत करबे दू ढेवा कमा के कहूँ से कमा खोल के कोष में धरबे तो उहे ढेवा कोसे के पैसा हमनी के आगा भरे काम लगते कोनो मई महाजन से हाथ न पसारे के पड़ते कि महाजन हमरा दिल कह के ओ बचत कैले रहबे तब ना हमरा एक दिन काम लगते वे मौका घड़ी में कोनो बे बीमारी में कोनो जग जाप में महाजन से न मांगे के पड़ते कोसे के ढेवा हमरा काम लगते आ इसकुल में के है तो धियापुता के जना बच्चा सुन के पढ़े जाए तो बेलगा दे बच्चा सब के तब बच्चा सब के लागे अब
इसकुल में जाए के पड़ता है। इसकुल में जब है तब विद्यालय में तब हेड मास्टर के थरकबे कि अब हमरा बच्चा सबके कैला बेलगबी से हमरा गरीब के दलित के बच्चा के पढ़ाओ विद्या दिव। अब हम के बचाव होशियार बनते पढ़ लिख के कहिया बनते न बनते तो सब दिना न पढ़ते तो सब दिना हम गरीब के गरीबे रहे धनी के बाल बच्चा जरा पैसा बोला है से बोरिंग में पढ़ाबी से बड़ा बड़ा इसकुल में पढ़ाबी से डेवा लगा के हम के तो न है डेवा तो सरकारी इसकुल में पढ़ते बच्चा सब न तो पढ़ते तब तो आगा मुहे बढ़ते हम के बच्चा पढ़ते लिखते अथी अधस अधस बनते को अथी काम में लागे बोला होते केकरा नौकरी लागे बोला होते नौकरी लगते जैसे कि बंके के काम है कोनो अथी नगर पालिके के काम है एहन सब काम हम के बच्चा के करे लागे चाहे हक पुगे ला चाहे हम ये कहे ला चाहे एकदम नजिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ साक्षरता सबैलाई
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग राखेर अन्तर्क्रिया गराउनेछौँ। त्यसपछि तपाईँ महिला बालबालिका शाखाहरू छ जुन जहाँ तपाईँहरूको लागि पनि यति धेरै बजेटहरू आएको छ, बजेटहरू छुटाएको छ, त्यो बजेट तपाईँहरूसँग कोहीकै छैन, तपाईँहरूको त्यो पनि थाहा छैन। एउटा त्यो पार्टी बनाउनेदेखि धर्मशाला बनाउने बाहेक अरू केही युज नै होइन, नाला बनाउने बाहेक अरू केही युज नै होइन भन्ने जुन बुझाइ छ। यति धेरै कार्यक्रम छ उहाँहरूसँग, अब हामी आगामी दिनहरूमा चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्ने तालिमहरू दिने उहाँहरूले ल्याएर तपाईँकै गाउँ गाउँमा ल्याएर होइन, त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ के कति बजेटहरू छ, कार्यक्रमहरू छ भन्ने त्यो कुराहरू हुन्छ। कृषि पशु शाखाहरू छ, उनीहरूसँग पनि थुप्रै योजनाहरू छ, गोठ सुधार कार्यक्रमहरू, त्यस गरी बाख्रा वितरण कार्यक्रमहरू छ होइन, त्यो बाख्राहरूले चाहिने पालनमा चाहिँ अनुदानहरू दिन्छ उनीहरूले, स्वरोजगार कार्यक्रमहरू छ, थुप्रो व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छ, त्यो कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले केही पनि थाहा छैन। अब हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तपाईँहरू सम्भव भइसकेपछि त्यो उहाँहरूसँग पनि ल्याएर उहाँहरूले तालिमहरू दिने अन्तर्क्रियाहरू गर्ने काम गर्छ र त्योबाट पनि तपाईँले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सर सब अपना समुदाय के लिए मतलब लाभ के लिए संघर्ष करबे आशा है। जीवन अपने शिक्षक सर प्रशासन के अपनी भाषा मैथिली भाषा एकदम सरल स्पष्ट रूप में आपने कहा से हम सब हृदय से धन्यवाद दीजिए। इस तालीम आयोजन करे वाला साफ नेपाल के जितना प्रतिनिधि है, जितना व्यक्ति सब है, वे सबके हम अपना व्यक्तिगत तरफ से अपना समुदाय के तरफ से धन्यवाद दिँदै हम अपन गुजर यहीँ राख्छौँ। शिक्षण लागल नलागल टक्कु छु जहाँसम्म ई चिजके जे सिखले छी से व्यवहारके उतारबै तऽ हमरा बेसी खुशी जे आशा करै आओर अहाँसब आओर बढ़िआँसँ व्यवहारमे उतारू, जे चीज हमसब सिखाबे सकली वही चीज सबके लेके आओरो सीखैके प्रयास करू। समय समयमे साफ नेपाल आयोगमे सहयोग भी करते हुए आयोजनके काममे विभिन्न तालीम सब देवेके काममे, तकर बाद हमसब बीचके दौरान दिनके दौरानमे अहाँ सबके अपन अधिकार लेबैके लेल अहाँ सबके केना संगठित करलै तकरा बारेमे सबके हमसब बतैली अहाँ सबके। यदि अहाँसब संगठित होबै तऽ अहाँ सबके अधिकार लेबै, अहाँ सबके सचिलो होतै, अधिकार अहाँ सबके मिल सकै छै। अधिकार बहुत फेकल न रहै छै, लेबैके लेल पहिले हमसब संगठित होइ सब जीवहरू यहाँ हुन्छ, तिनजना हुन्छ है अर्को जीवहरू, हाम्रो स्याप नेपालको टिम र यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण मुसर दिदी बहिनीहरू, हाम्रा सुपरभाइजर र मोनिटर जुन हुनुहुन्छ सुपरभाइजर ज्यूहरू, र हाम्रो यहीँ पत्रकार बन्धु यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पत्रकार ज्यू लगायत यहाँका शुभचिन्तक मुसर, अघि हाम्रो राष्ट्रिय मुसर सङ्घको अध्यक्ष ज्यू पनि आउनुभएको थियो, दलित सङ्घको उपाध्यक्ष ज्यू, यही सम्पूर्णलाई लगायतलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। आ सके नमस्कार, नमस्कार अभिवादन। र यहाँ जुन तिन दिनको तालिम स्याप नेपालले गरेको छ, स्याप नेपाल स्याप नेपालले जुन तिन दिन तालिम गरेको छ यहाँहरूलाई, त्यो तालिम कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, खुसी भएर बस्नुहुन्छ होइन? र फेरि पनि अब कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि लगाएपछि तपाईँहरूलाई हुन्छ, जुन यो स्याप नेपालले चाहिँ यो तपाईँहरूकोमा हरिपुर शङ्खरापुर होइन त्यहाँ हाम्रो यो 2049 सालदेखि चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेछ, सहकारी पनि छ हरिपुरमा हाम्रो स्याप नेपालको, यो धेरै कतिवटा जिल्लामा गरेको, तपाईँहरू जस्तै म पनि स्याप नेपालको प्रडक्ट, स्याप नेपालले उब्जाएको जस्तो आँ सब्जी यहाँ छ नि उयो नम्बी स्याप नेपालकै है, स्याप नेपालले नै मलाई पनि प्रडक्ट गरेको, हामी पनि एनजिओ, हामी पनि यसरी नै तालिम लिएर स्याप नेपालको हो भनेपछि यहाँहरूले जुन एउटा आफ्नो घर छोडेर होइन, को बिमार बच्चा भयो भन्छ फोन गर्छ होइन, गरेर यहाँ जुन एउटा आफ्नो अमूल्य खेती आफ्नो बाढी सब छोडेर होइन तिन दिन सक्रियसँगले यहाँ
भाग लिनुभयो र हाम्रो यहाँ प्रशिक्षक ज्यूहरूले मैले हेरेँ तालिम एकदम राम्रोसँगले आहाँहरूकै भाषामा होइन आहाँसबकै भाषा नै बाजे थियो उहाँसँग भाषामा नेपाली भाषामा हिन्दीमा सब गीत ऊ मैथिली सब गरेर जुन गर्नुभएको छ असाध्यै राम्रो त्यहाँबाट हामीले पनि केही सिक्ने मौका पायौँ है अलिअलि हामीले पनि सिक्यौँ यहाँ है अझ एक दिनको छुट हो साह्रै राम्रो तालिम गर्नुभएको छ उहाँहरूले र यहाँहरूलाई अब हाम्रो यहाँ सुपरभाइजर बहिनीहरू हुनुहुन्छ है यहाँबाट गइसकेपछि तपाईँहरूलाई समूह बनाउनुपर्छ महिलाहरूको अनि एक्टिभली काम गर्ने तपाईँहरूले हो सुपरभाइजरहरू पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरूले केही सल्लाह लिनु पर्यो त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूको एउटा पोजिटिभ सल्लाह दिनुपर्छ उहाँहरूले पनि है सबै सुन्नु है आफ्नो साथीहरूलाई नेगेटिभ नसम्झिनु होला समूहमा एकदम मिलेर जानुपर्छ कमिला जस्तो चिट्ठी कहीँ के भने चिट्ठी होइन कमिला जस्तो मिलेर जानुपर्छ है ताकि अब यो कार्यक्रम तपाईँहरूले राम्रोसँग लाने अनि यतिले मात्रै हुँदैन अब यसलाई धेरै फेरि दिइराख्नुपर्छ नि होइन अझै तपाईँहरूलाई तालिम दिनु पर्यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो यसरी माग्न सक्ने सरहरूले भन्नुभएको छ नि होइन आफ्नो वार्डमा गाउँपालिकामा सबैतिर गएर आफ्नो के बजेट छ भनेर लिन सक्ने हुनु पर्यो र हामी महिलाको लागि धेरै आएको छ दुःखको कुरा र यहाँहरूलाई म पुनः सक्रिय भएर जुन राम्रोसँगले तालिम लिएर जानुभएको छ यो लागू गर्नुहुन्छ र अवश्य पनि यहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेर पुरस्कारको कुरा गर्नुभएको छ सरले त्यो दिन पाऊँ भन्दै अनि पुनः हाम्रो प्रशिक्षक ज्यूहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु साह्रै राम्रो गरेर उहाँको कला पनि देखाएर तालिम दिनुभएको छ सबैले बुझ्ने भाषामा दिँदै सुपरभाइजर बहिनीहरूलाई पनि म के भन्छु भने भाइहरूलाई राम्रोसँगले उहाँहरूलाई सुपरभिजन गर्ने खालि मैले एउटा देखेछ सुपरभिजनको पनि कोही सुपरभाइजर जाने त्यहाँ अलिकता केही सब्जी नसिकाउने नेगेटिभ रिपोर्ट गर्ने गर्नु हुँदैन खालि पोजिटिभले जाने सिकाउने तपाईँहरूले सल्लाह लिने ओहो सुपरभाइजर आयो भनेर बाघ आयो भने नडराउने सोध्ने एकदम मित्रताको उसमा काम गर्ने भन्दै म आजको यो तिन दिने तालिम होइन जुन यसरी धैर्य भएर गर्नुभयो यहाँ बस्नुभयो घरमा भएको भए यति राम्रो हुँदैन थियो मन जान्छ घरमा को आउँछ के हुन्छ र यसरी बसेर लिनुभएकोमा पुनः यहाँहरूलाई समय दिएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अनि हाम्रो प्रशिक्षक ज्यूहरूलाई पनि पुरीपुरी धन्यवाद दिँदै म सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई सबैलाई दिँदै यो होटलवालालाई पनि यत्रो होइन बस्ने खाने व्यवस्था टाइममा हाम्रो घरमा पनि हुँदैन टाइममा दिएकोलाई सबै गरेकोलाई म सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो तालिम सकिएको तिन दिने घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु ल सबैलाई नमस्कार।